नमस्कार किसान भाइयों, आज हम एक आपके लिए बेहतरीन थ्रेशर लेकर आए हैं। जो किसान भाई कम जगह खेती करते हैं या जो छोटे किसान हैं या कम जगह में आपके वहाँ पर खेती होती है, तो आप ये एक छोटा थ्रेशर लेकर इससे आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और अगर आप खुद के यूज़ के लिए भी इसको ख़रीदते हैं तो भी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, दिखने में काफ़ी छोटा है लेकिन मूँगफली को छोड़कर उसके अलावा जितनी भी फसलें होती हैं वो सभी फसलें निकालने के लिए काफ़ी कामयाब है। और इसको चलाने के लिए भी काफ़ी छोटे ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है और काफ़ी कम डीजल खपत में बिल्कुल नीट एंड क्लीन फसल आपको निकाल कर देता है। इसके अलावा इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी अप्रूव्ड है, लोन भी हो जाएगा, काफ़ी सारी सुविधाओं के साथ आता है। तो अगर इस थ्रेशर के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस थ्रेशर की, तो ये श्री गणेश थ्रेशर की ओर से आता है जो कि जोधपुर की सबसे जानी मानी कंपनी है। जो थ्रेशर है काफ़ी इसकी क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन रखी गई है। इसमें टाटा की चादर यूज़ की गई है, तो लगभग 8 से 10 साल तक आप इसको चलाएंगे तो इसमें मेंटेनेंस का खर्चा आने वाला नहीं है। इसके अलावा ब्रांडेड कंपनी के इसमें टायर लगाए गए हैं। बात करें इसके हुक की, तो हुक आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी हुक है और काफ़ी ईजी तरीके से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। इसके अलावा सिंगल शाफ्ट और डबल शाफ्ट दोनों के साथ आता है, सभी तरीके की फसल निकाल सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल बॉक्स है, इसमें जो ज़रूरी जितने भी टूल है वो सभी कंपनी की ओर से दिए जाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के लिहाज से कंपनी ने बेहतरीन काम किया है। जितनी भी बेल्टें हैं वो पूरी तरीके से कवर की गई है और इसकी जो बेल्टें हैं वो भी ब्रांडेड कंपनी की यूज़ होती है। इसके अलावा जो इसमें बेयरिंग लगाए जाते हैं, जो इसकी चेसिस है, चद्दर है, वो सभी ब्रांडेड कंपनी के हैं। अब बात करें इसके भूसे की सिस्टम की, तो वो यहाँ पर दिया गया है। जो भी भूसा है वो आप यहाँ से बाहर डाल सकते हैं। इसके अलावा फसल डालने के लिए भी काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर टैंक देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके बैक पोर्शन की, तो पिछली साइड भी आप देख सकते हैं सभी बेल्टें कवर की गई है, प्रॉपर स्टिकर लगाकर कंपनी ने दिए हैं। इसके अलावा जो इसकी जालियां हैं वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी हेवी जालियां लगाई गई है, तो इससे जो फसल है वो काफ़ी आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी। और फसल की जो ग्राइंडिंग है यानी कि क्लीनिंग करने के लिए इसमें जो एयर का सिस्टम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, इससे एयर फ्लो यहाँ पर होता है। और जो फसल को साफ़ करने के लिए, हवा को कम ज़्यादा करने के लिए काफ़ी ईजी सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा ये जो सिस्टम है इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। बात करें अगर फसल के साथ कभी कुछ कचरा आता है तो वो डायरेक्ट यहाँ से आकर ये जो एलिवेटर लगाया गया है, इस एलिवेटर की सहायता से जो जितना भी कचरा है वो फसल के साथ ऊपर जाएगा। और ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नाली दी गई है, इसी नाली से जो भी फसल है वो इसमें आ जाएगी और इसमें डायरेक्ट यहाँ से चली जाएगी। इसके अलावा किसानों को भी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी जो हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं रखी गई है, नॉर्मल हाइट है, तो इसमें किसान आसानी से फसल डाल सकते हैं। इसके अलावा जो कटर है उसको भी निकालना काफ़ी आसान है, उसके लिए यहाँ पर काफ़ी ईजी सिस्टम दिया गया है। इसको आप उठाकर जो भी आपको कटर चेंज करने हैं वो चेंज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी आसानी से यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। बात करें इसके टोकरी की साइज़ की, तो वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी साइज़ रखी गई है, तो ऊपर से फसल डालने में आपको समस्या नहीं आएगी। अब बात करें कि ये जो थ्रेशर है वो कितने एचपी के ट्रैक्टर पर चलेगा, तो आप मात्र 30 एचपी का जो ट्रैक्टर है उस पर इसको आसानी से चला पाएंगे। और पर घंटे के हिसाब से माइलेज की बात करें तो मात्र 1.5 से 2 लीटर में ये आसानी से काम कर लेगा, और अगर फसल हल्की गीली है तो लगभग 2.5 लीटर पर घंटे के हिसाब से ये आसानी से काम कर लेगा, तो बेहतरीन माइलेज मिलेगा, छोटे ट्रैक्टर की आवश्यकता ही पड़ेगी इस पर। इसके अलावा इसकी जो कीमत है वो भी काफ़ी कम है, कम कीमत होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने इस पर 40,000 की सब्सिडी अप्रूव कर रखी है, तो आप वो सब्सिडी भी गवर्नमेंट के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा इस पर लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। बात करें लोनिंग प्रोसेस की, तो उसमें कंपनी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा वारंटी की बात करें तो कंपनी इस पर 2 सीज़न की वारंटी देती है। अगर आपने इसको रबी में परचेज़ किया है तो खरीफ तक इसकी वारंटी रहेगी, और खरीफ में ख़रीदा है तो रबी तक इसकी वारंटी रहेगी, यानी कि 2 सीज़न की आपको इसमें प्रॉपर वारंटी मिल जाएगी। जो पहाड़ी क्षेत्र में जो किसान है जिनके पास कम ज़मीन है उनके लिए काफ़ी बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि भारी भरकम मशीनें पहाड़ी क्षेत्र में चलाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। तो अगर ये मशीन आपको पसंद आती है तो मशीन को आप परचेज़ कर सकते हैं। मशीन को ख़रीदने के लिए हम कंपनी का नंबर स्क्रीन पर देंगे, जहाँ पर आप कॉल करके इसकी जो एग्जैक्ट कीमत है वो जान सकते हैं और इसका ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मशीन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ शेयर करें, और कृषि से जुड़े ऐसे शानदार वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।